दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोब एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। खबर निकल के आ रही है कि आज बुधवार 23 अक्टूबर सन 2024 दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि विदेशी निवेशकों के चीन की तरफ रुख करने से भारतीय बाजारों में कोहराम मच गया है, क्योंकि चाइना ने अपने राहत पैकेज के ऐलान के बाद चाइना के बाजार लगातार सुधर रहे हैं, जिससे विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली में 5 दिन में सेंसेक्स 4500 अंक गिर गया है। साथ साथ भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली जारी है। गौरतलब है कि विदेशी निवेशकों ने 86,500 करोड़ यानी $10 अरब से अधिक के शेयर बेचे हैं, जबकि ये अक्टूबर महीने में अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली मानी जा सकती है। लेकिन घरेलू निवेशक लगातार सामने डटे हुए हैं और वो 83,271 करोड़ के घरेलू निवेशकों ने बाजार को थामा हुआ है। कुल मिलाकर अभी भी बाजार स्थिर नहीं है। आपको याद होगा, हमने आपको कुछ दिनों पहले अग्रिम अनुमान दिया था कि ग्रह स्थिति और फंडामेंटल कह रहे हैं कि बाजारों के अंदर गिरावट हो सकती है, वैसे ही कुछ देखने को मिला। गौरतलब है कि सेंसेक्स और निफ्टी में एक महीने में 6% टूटत देखी गई है। अक्टूबर माह में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। एक माह में ही निवेशकों ने 33 लाख करोड़ रुपए से निकाले, मतलब कुल मिलाकर बाजारों में निवेशकों के 33 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। कंपनियों की बाजार पूंजी 477 लाख करोड़ रुपये से घटकर 444 लाख करोड़ रह गई हैं। सेंसेक्स निफ्टी 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के समाचार हैं। गौरतलब है कि इसका प्रमुख कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला, कंपनियों की उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजे, डॉलर इंडेक्स में तेजी, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड में उछाल और ग्लोबल बाजारों में बड़ी गिरावट। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की ओर से सोमवार को ब्याज दरों में 0.25% की यानी 25 बेसिक पॉइंट की कटौती से मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। मंझोली छोटी कंपनियों के शेयर तो लगभग धराशायी हो गए और सेंसेक्स में 1.25% और मिड कैप में लगभग 2.52% और स्मॉल कैप में 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। विदेशी निवेशक भारत से शेयर बेचकर चीन में निवेश कर रहे हैं, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब ये भी है कि सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों में मंगलवार को यानी कल जबरदस्त पिटाई देखी गई। दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको सबसे पहले अग्रिम अनुमान दिया था कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर असर सबसे ज़्यादा पड़ सकता है, और यदि देखें तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान कॉपर में लगभग 6.9%, पंजाब नेशनल बैंक में 7.18%, नेशनल फर्टिलाइजर में 7.39%, GRSE के 12.68%, मंझगांव डॉक 10.84%, NFL 7.39% की गिरावट देखी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर स्थिति अभी नाजुक है। दूसरी ओर खबर ये भी निकल के आ रही है कि चांदी और सोने में जबरदस्त तेजी दर्ज हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आई तेजी व वायदा बाजारों में सोना चांदी के कारोबारियों का एक्टिव पार्टिसिपेशन से सोना चांदी में रिकॉर्ड उछाल देखा गया। सराफा बाजार में चांदी हाजिर 500 रुपये उछलकर पहली बार 1 लाख रुपए से ऊपर जा पहुंची है, और इस तरह से सोना स्टैंडर्ड भी 300 रुपये चढ़कर 80,300 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बताया जा रहा है। जेवराती सोना भी 500 रुपये बढ़कर 75,000 हो गया है, और ज्वेलरी के थोक विक्रेताओं का मानना है कि धनतेरस पर मांग कम रहेगी, क्योंकि भाव बहुत तेज है। ऐसे ऊंचे दामों पर धनतेरस में अपेक्षित खरीदारी कम हो सकने की संभावना है। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि बाजार की हर महत्वपूर्ण घटना से आपको रूबरू कराएं। चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ आपको क्या लगता है कि ये शेयर बाजार में गिरावट अभी कितने दिन और रहेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।